नमस्कार, जय हिंद। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो MGHV यूनिवर्सिटी की तरफ से है। जी हाँ, MGHV यानी कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जहाँ आयोजित हो रही है या चल रही है या नाटक चल रहा है PhD प्रवेश परीक्षाओं का, उसको लेकर आया है एक नया नोटिफिकेशन 11 अक्टूबर की डेट में, जिसका संबंध है 10 अक्टूबर को हो चुकी प्रवेश परीक्षा को लेकर। यदि आपने भी इस विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा दी है और आपने यदि अभी तक इस नोटिफिकेशन को नहीं देखा है तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, और वीडियो में जो भी बात बताई जाएगी और डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने PDF फाइल के लिंक दिए हैं उसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और नोटिफिकेशन का लाभ क्या, कब तक और कैसे लेना है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सुनने में तकलीफ हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नोटिफिकेशन कहता है, सीधा चलते हैं उसके ऊपर क्या क्या बातें कहता है। PhD प्रवेश परीक्षा 21 और 22 के लिए जिन्होंने भी किया था रजिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ PhD प्रवेश परीक्षा का पेपर नंबर एक, PhD प्रवेश परीक्षा का पेपर नंबर एक, उसको लेकर आई है नई इन्फॉर्मेशन। नई इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि 10 तारीख को हुई प्रवेश परीक्षा की गड़बड़ी, तकनीकी समस्या, सर्वर का फेलियर, सॉफ्टवेयर की डिसकनेक्टिविटी, नेट का कनेक्शन या लॉगिन नहीं होना, सबमिट नहीं होना, ये बहुत से सवाल गए मीडिया के पास, उसके बाद यूनिवर्सिटी के पास, उसके पास फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम। पहले गए मीडिया के पास, फिर गए यूनिवर्सिटी के पास, फिर फेसबुक, फिर व्हाट्सअप, फिर इंस्टाग्राम और ट्विटर। उन सवालों को मद्देनज़र रखते हुए ही यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया। नोटिफिकेशन तो वैसे यूनिवर्सिटी कल ही निकालने वाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारण आ गई होगी, तकनीकी समस्याएँ आ गई होगी, क्योंकि भैया अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है, और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में कोई नॉर्मली काम थोड़ी होते हैं, बड़े स्तर के काम होते हैं। तो 10 के नोटिफिकेशन को 11 को अपलोड किया गया और 10 की डेट को काट कर नहीं, अंडरस्कोर करके 11 अक्टूबर लिख दिया गया पेन से। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की ख्याति भी और कार्य भी अद्भुत होते हैं। अब आते हैं नोटिफिकेशन क्या कहता है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी पेपर एक की प्रवेश परीक्षा सही समय पर सबमिट नहीं हो पाई हो, या सही समय पर आप लॉगिन नहीं हो पाए हों, या फिर समय पूरा हो चुका था और आपका पेपर सबमिट नहीं हो पाया, चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिएगा, बाद में मैं रिपीट नहीं करूँगा और कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जिनका पेपर पहला समय पर लॉगिन नहीं हुआ था, समय पर सबमिट नहीं हुआ था, या फिर कई बार प्रयास करने के बाद लॉगिन हुआ था लेकिन सबमिट नहीं हुआ था, तीसरी चीज, चौथी चीज, आपका पेपर सबमिट हो गया था और सबमिट होने के बाद एक कंफर्मेशन का मैसेज या मेल या स्क्रीन पर आता है, यदि वो सब नहीं आया था तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए यूनिवर्सिटी ने निकाली है सूचना। इसके अलावा यदि कोई तकनीकी समस्या आपको आई थी या फिर कोई सर्वर फेलियर की समस्या आई थी तो भी आपके लिए सूचना है। यूनिवर्सिटी कहती है इन सभी 5-7 सवालों को लेकर आपको जो भी समस्याएँ आई है, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की ईमेल आईडी पर आप एक ईमेल कीजिए, आप एक ईमेल कीजिए, लेकिन ईमेल करना क्या है ये नहीं बताया, उसके लिए मैं बैठा हूँ आपके पास, मैं बता देता हूँ क्या करना है, सुनिए। आपने जिस भी विषय की प्रवेश परीक्षा दी थी उस विषय का एप्लीकेशन फॉर्म को खोजिएगा, जिस विषय की प्रवेश परीक्षा दी थी उसका एडमिट कार्ड खोजिएगा, ठीक, ये दो डॉक्यूमेंट हो गए। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपको ईमेल में अटैच करना है, याद रखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ, मेरा सुझाव है, सही लगे तो अप्लाई कीजिएगा, बुरा लगे तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा और सुझाव को मत मानिएगा, ये डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ बातें ईमेल में लिखकर भी भेजनी है। इस विषय पर वीडियो मैं 13 तारीख को बनाने वाला था, 13 अक्टूबर को, लेकिन आज बनाना पड़ गया क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है 2 दिन के बाद, तो सोचा मिस ना हो जाए, सोचा तो आपको दे देते हैं, ठीक है। अब लिखना क्या है, आप सभी कैंडिडेट अपना रोल नंबर लिखिएगा, ठीक है, जो 5 डिजिट का रोल नंबर लिखिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, अपना और आपके गार्जियन या माता पिता जो फादर है उनका नाम लिखिएगा, और अपनी कैटेगरी लिखिएगा, जनरल है, SC है, ST है, OBC है, EW है, PH है, वो सब लिखिएगा, और उसका सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। अपना नाम, मदर या फादर का नाम, अपना रोल नंबर, आपने किस सब्जेक्ट से अप्लाई किया है वह, और आपको समस्या किस पेपर में आई है, सब्जेक्ट के पेपर में आई है या पेपर वन में आई है, उसको भी क्लियर कट मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा और चीज़ लिखनी है आपको, आपका लॉगिन सही समय पर हुआ है या नहीं ये भी लिखना है, कितने समय पर लॉगिन हुआ है और कितने समय पर पेपर सबमिट हुआ है। यदि आपको टाइमिंग याद है, मान लीजिए किसी का पेपर 9:30 बजे सुबह था लेकिन लॉगिन उसका
9:50 पे हुआ है, किसी का 10:20 पे हुआ है, किसी का चाहे 5 मिनट बाद हुआ हो, आपको यदि लगता है लिखना चाहिए तो लॉगिन का समय लिखिएगा और कब आपने सबमिट किया है ये भी लिखिएगा। और ये भी लिखिएगा यदि हमारा पेपर 20, 25 या 15 मिनट देरी से शुरू हुआ है तो विश्वविद्यालय ने हमको अतिरिक्त समय क्यों नहीं दिया। यदि आपका पेपर 20 मिनट देरी से चालू हुआ, मान लीजिए लॉगिन हुआ, किसी का 9:30 का टाइमिंग था 10 बजे लॉगिन हुआ, किसी का 1:30 टाइमिंग दोपहर का, उसका 1:30 लॉगिन हुआ, तो आपको जो 30 मिनट का या 20 मिनट का नुकसान हुआ उसके अवज में विश्वविद्यालय ने आपको एक्स्ट्रा टाइम क्यों नहीं दिया। इन सब बातों को लिख दीजिएगा और दो डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दीजिएगा, अपना एडमिट कार्ड और अप्लीकेशन फॉर्म, और ये सब आप यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं हमारे साहिब उनको आपको ईमेल कर देना है registrar.mgahv@gmail.com इस ईमेल आईडी पर, ठीक। और ये कब तक कर देना है याद रखिएगा, 12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक, क्योंकि 12 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे से, क्या बोल रहा हूं मैं, 12 अक्टूबर को शाम को 4:30 बजे विश्वविद्यालय की लास्ट और अंतिम सब्जेक्ट की प्रवेश परीक्षा रखी गई है, उसके बाद किसी प्रकार की सुनवाई वगैरह नहीं होनी है, इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। ये थी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जो पेपर एक के लिए आई है। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि आपने सवाल भी किए कि सर हमारा पेपर सेकंड सबमिट नहीं हुआ, हमारा पेपर सेकंड सही समय पर लॉगिन नहीं हुआ, पेपर सेकंड में जिसको जो भी समस्या आई है ना, जैसे कि हम लोग पेपर वन का सबमिट की समस्या आई है सर्वर के, अगर यही समस्या को पेपर टू में भी आई है उसके लिए आपको मेल नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ बोला ही नहीं। यूनिवर्सिटी ने जो भी नोटिफिकेशन निकाला है आज की डेट में केवल और केवल पेपर नंबर एक के लिए निकाला है, उसके अलावा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। कहीं आप यदि ऐसा करें या मेरी बात को इतना मत समझिएगा कि जो बात मैंने पेपर एक के लिए कहीं पेपर दो के लिए अप्लाई कर दे, ना ना यूनिवर्सिटी ने कहा है ना ही मैं कह रहा हूँ। आपको रजिस्ट्रार को जो ईमेल करना है, अपनी समस्याएं बतानी है, वे सब बातें पेपर नंबर एक के लिए यूनिवर्सिटी ने कही है और एक के लिए ही मैं कह रहा हूँ। पेपर दो में मान लीजिए किसी का हिंदी का पेपर है, उसका पेपर एक तो सबमिट हो गया या नहीं हुआ, और आपका पेपर सेकेंड अगर सबमिट नहीं हुआ है उसको लेकर ईमेल करना है नहीं करना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे, ना यूनिवर्सिटी ने कहा है। आपको जो लगता है करिए, पेपर एक के लिए आई थी जानकारी आपको बता दी, और आपके जो सवाल है मैं कमेंट बॉक्स में देख लूँगा। अगला वीडियो एक बनाऊँगा 15 अक्टूबर को, और एक वीडियो अप्लाई करना है अभी कानपुर यूनिवर्सिटी का जो बवाल चल रहा है, फीस सबमिशन का जो नया अपडेट आया उसकी बात करेंगे। और मेरे लिए आपके पास कोई सुझाव हो, कोई सूचना हो, कोई सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है, और मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो ईमेल करिए, कॉल करिए, कमेंट करिए, उसका भी स्वागत है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और आज है 11 अक्टूबर, किसी का जन्मदिन है आज, कल भी किसी का जन्मदिन था और कल भी होगा, लेकिन आज रामलाश शर्मा का कल था, आज जेपी का है, कल अभिनेत्री रेखा का था और आज अमिताभ बच्चन जी का है। तो जन्मदिन मरणदिन भी चलते रहते हैं, लेकिन कई विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं से ज़्यादा जन्मदिन मनाने में व्यस्त रहते हैं कई विश्वविद्यालय। नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि प्रवेश परीक्षा से ज़्यादा वेबिनार की चिंता किस विश्वविद्यालय को, ये भी लिखिएगा, नैतिकता को नापिएगा। और जिनका हुआ है नुकसान उनको मेरी शुभकामनाएं, और जिनका हुआ है लाभ उनको भी शुभकामनाएं। देखते हैं कौन पहुंचता है साक्षात्कार में, और उसके बाद जो नाटक होगा उस तांडव की भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, अपना और अपने का ख्याल रखिएगा, किताब के पास रहिए, परिवार के पास रहिए, फिजिकल दूरी बनाए रखिए, कोविड के नियमों का पालन कीजिए, सरकार नहीं करती है तो मत करने दीजिए, आप तो करिए, आप देश के नागरिक हैं ना, आप करिए।